नमस्कार, मैं गौरी आपके साथ देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बालाघाट से है, जहां मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगली खबर बिजनौर से है, यहां दिव्यांग बालक को दरोगा ने लात मार दी, वीडियो वायरल। और साथ ही अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, यहाँ एक युवक ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बालाघाट से, जहाँ सिवनी लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले के सभी 6 विधानसभा का मतगणना स्थल स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रातः 8 बजे से लोकसभा निर्वाचन के मतों की गणना की जाएगी, जिसके लिए विधानसभा वार अलग अलग टेबल बनाए गए हैं। आयोग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से CRPF, SF और स्थानीय पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। गर्मी के मद्देनजर गर्मी से बचाव के भी इंतजाम कर लिए गए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने आगे और क्या कुछ बताया। हमारे सभी विधानसभा सेगमेंट, 6 विधानसभा सेगमेंट का काउंटिंग जो हम लोग यही कर रहे हैं। 97 हमारे काउंटिंग पर्सनल लगे हुए EVM की काउंटिंग को लेकर के, 12 हमारी टेबल से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर के। हमारा प्लान ये रहेगा कि 6 बजे हम लोग स्ट्रांग रूम खोलेंगे, पोस्टल का भी और EVM का भी। और अब रिपोर्टिंग टाइम भी 6 बजे है। सभी एजेंटों को, पार्टी के जो हमारे पार्टी के लोग जो हैं उनको सभी को 6 बजे रिपोर्टिंग के लिए बोला गया है। और 8 बजे हमारी EVM की काउंटिंग, सॉरी पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे स्टार्ट करेंगे। 8:30 बजे हम लोग EVM की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। व्यवस्थाओं को लेकर के 3-tiered हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। इनर कार्डन जो है हमारा CRPF का है, मिडल कार्डन जो हमारा SAF का है, और आउटर कार्डन स्टेट पुलिस या हमारे थाने के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। साथ ही साथ सभी को आई कार्ड इशू किए गए हैं, सभी को डूज एंड डोंट्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए गए हैं। हमारे जो पोलिंग पर्सनल हैं, काउंटिंग पर्सनल हैं, उनकी हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रॉपरली करा दी है। इंस्ट्रक्शंस हमने सभी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके निर्वाचन अभिकर्ता हैं, उनको डूज एंड डोंट्स और उनकी ट्रेनिंग करा दी है। तो मेरा मानना है कि सभी जगह हम लोग जो है एक अच्छी व्यवस्था देंगे और सभी से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। गर्मी लगी है, गर्मी को लेकर देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर कुल 4 एम्बुलेंसेस ALS के साथ व्यवस्था की है। साथ ही साथ हम लोग पूरा ICU बेड का सेटअप, यहाँ डॉक्टर्स, सभी तरह के डॉक्टर्स की ड्यूटी यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए सभी पॉइंट्स में हमारे जो भी इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, चाहे वो ORS हो, इलेक्ट्रॉल हो, ग्लूकॉन डी हो, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो, या अटैक से लेकर के या घबराहट को लेकर के जो दवाइयां हैं, वो हम लोग सभी पॉइंट्स पे रखेंगे। डॉक्टर्स को ब्रीफिंग कर दी गई है। मुझे लग रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां तक गर्मी का प्रश्न है, हम लोगों ने पूरा वाटर लाइन अलग से बिछाया हुआ है। सभी जगह कूलर्स की व्यवस्था है, जहां रिक्वायर्ड है वहां AC की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो हमारे टेबल्स हैं, चूंकि बैयर विधानसभा में सबसे ज्यादा बूथ हैं, हमारे टेबल्स की संख्या वहाँ 21 है, और 14 टेबल्स जो है हमारे, 16 टेबल्स 3 विधानसभाओं में है, 14 टेबल 2 विधानसभाओं में है। तो मेरा मानना है कि 16-17 राउंड की लगभग गणना होंगी सभी जगह मैक्सिमम। सर, कल 4 जून को मतगणना होना है, चार जून को काउंटिंग को लेकर पूरी व्यवस्थाएं चुनाव के निर्देशानुसार यहाँ पे की जा चुकी है। कलेक्टर साहब ने कंटिजेंसी लेवल पे भी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है, और जहाँ तक सिक्योरिटी का एंगल है, 3-tier सिक्योरिटी का डायरेक्शन से इलेक्शन कमीशन का, जिसमें आउटर कॉर्डन पे हमारे DF लगी रहेगी 100 मीटर के दायरे के बाहर, और मिडिल कॉर्डन पे SAF है, इनर कॉर्डन पे CRPF की एक कंपनी को डिप्यूट किया गया, तो एक प्लेटून लगी है। तो ये है। उसके अतिरिक्त सभी जितने भी एजेंट्स हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत करा दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें आप ला सकते नहीं ला सकते। अपील ये रहेगी, कृपया उसका अक्षरशः पालन करें, क्योंकि जो फोर्स लगा हुआ है वो फिर उन चीज़ों को अंदर जाने से पूरी तरह वर्जित रखेगा, रोकेगा। तो असुविधा ना हो, इसके कारण यथासंभव कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स न लाए जाएँ। किनको आने की अनुमति है, कहाँ तक आने की अनुमति है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत करा दिया गया है, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे माहौल में कल का पूरे काउंटिंग प्रोसेस कम्प्लीट है। लाइन फॉरवर्ड के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि जैसा जहाँ होता बाहर हुजूम रहता है उसको कंट्रोल करने का? जैसा मैंने बताया, लगभग 600 का बल सिर्फ जिला बल का लगाया गया है, और इसके अतिरिक्त CRPF SAF का अलग बल है। जैसे रुझान आने शुरू होंगे, उस दौरान जो कानून व्यवस्था या फिर लोगों के बीच में जो एक्साइटमेंट बनता है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी टीम्स लगातार लगी रहेंगी, पेट्रोलिंग भी करते रहेंगे लोग।
और चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो उसके अनुसार भी हमने व्यवस्थाएं हर जगह पे की। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां दिव्यांग बालक को दरोगा ने मारी लात। दरोगा का लात मारने का वीडियो हुआ वायरल। बता दें बेलगाम दरोगा दिव्यांग बालक को दी गंदी गालियां। वहीं चर्चित दरोगा प्रमोद कुमार का वीडियो पहले भी हो चुका है वायरल। दरोगा को एसपी नीरज कुमार जादौन ने किया सस्पेंड। दरोगा प्रमोद कुमार बढ़ापुर थाने में है तैनात। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां बता दें 55 लाख उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल और महंगा होने वाला है, क्योंकि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने शनिवार को बिजली की नई दरें जारी की हैं। उपभोक्ताओं की दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। बिजली की दर में वृद्धि होते ही सियासी पारा भी उबाल मारने लगा है, जहां एक ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र साहू ने विरोध जाहिर किया है, साथ ही कहा है कि भविष्य में मुद्दे पर आंदोलन भी किया जाएगा। तो वहीं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा विधायक ललित चंद्राकर ने व्यवस्थाओं का हवाला दिया। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई है, बहुत से योजना को लगातार बंद किया जा रहा है और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना बंद है। अभी भूमिहीन श्रमिकों को उनका जो सालाना 7,000 रुपये मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है। गोबर खरीदी बंद कर दी गई है और उसी कड़ी में अब ये लोग जनता के साथ फिर से अन्याय करते हुए 20 पैसा प्रति यूनिट बिजली बिल में बढ़ोतरी की है, जो इसका हम विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। क्योंकि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तब अगर इस तरह के थोड़ा बहुत भी वृद्धि होती थी तो बहुत ज़्यादा वृद्धि किए हैं, तो भाजपा वाले विरोध करते थे कि अभी छत्तीसगढ़ में भरपूर बिजली पैदा होता है तो लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए और हम लोगों की सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना लागू किया था और उससे लोगों को राहत मिलती थी। लेकिन आज जब से भाजपा की सरकार आई है जनता पे लगातार आर्थिक बोझ लादा जा रहा है। कांग्रेसी आंदोलन करते हैं, महंगाई को लेकर आंदोलन किए, देश भर आंदोलन किए, बेरोजगारी को लेकर करते हैं, लेकिन समाचार जो क्षेत्र होता है उसमें प्रमुखता भाजपा को दिया जाता है, उसका लाभ भाजपा ही लेते हैं। लेकिन हमारे पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है उसको प्रसार प्रसार में उतना स्थान नहीं मिल पाता है, इसलिए लोगों तक वह नहीं पहुँचता। बढ़ाई नहीं है खबर, ही आज पेपर के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुआ है। कोई भी संस्था को चलाने के लिए और उस संस्था को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ व्यवस्था बनाया जाता है और ये अभी मुझे ठीक से मालूम नहीं कि बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन जनता के हित में लगातार भारतीय जनता पार्टी हमारे विष्णुदेव देव की सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है और जनहित में जो काम होगा उसको हम लोग करते रहेंगे, आगे भी करेंगे और लगातार करेंगे। जनहित के जो विषय हैं उसको कभी छोड़ेंगे नहीं और जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए, जो होना चाहिए वो लगातार मिलता रहे। अभी बढ़ोतरी बढ़ाए कहाँ गया है, अभी तो खबर आया है समाचार के और मुझे भी ठीक से मालूम नहीं। मैं ऊपर में बात करने के बाद इस विषय में ज़्यादा अच्छे से और बात करूँगा, लेकिन हम लोग लगातार जनता के हित के लिए काम और लगातार 24 घंटा बिजली मिले हमारी यहाँ की छत्तीसगढ़ के सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, किसानों को, उद्योग को, उसके लिए बिजली की आपूर्ति लगातार है, उसके लिए कुछ व्यवस्था बनाए तय होता है उसको तो करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के चिलिया थाना क्षेत्र के मुशहरी गांव के एक युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी व बेटी ने जो कहानी बताई वो बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने बताया कि गांव के ही दो युवक पहले इनको विश्वास में लेकर इनके नाम पर कई बैंकों से लोन निकलवाते हैं, फिर उसमें से लगभग 1 लाख रुपए मृतक को देते हैं। कुछ दिनों बाद लोन जमा करने का दबाव बनाने लगते हैं और लोन जमा न करने की सूरत में जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इसी दबाव से परेशान होकर वो 3 दिन पहले घर से चला जाता है। आज दोपहर उसकी ट्रेन से कटी हुई लाश मिलती है। इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। नाम है कहाँ का रहने वाली? मुसहरी का। नाम क्या है? प्रभावती। क्या मामला है? मामला यह है लोन का पैसा निकाल ले रहे प्राइवेट में तो ना ही भर पाए, तो प्राइवेट वाले हमारे घरे जाके गरियावत हैं और जे हम मन का निकलवाई सी
केहू हमारे घर चढ़ के आवत हंगरी आवत हमारे मर्दन मारे कहत रहे हाथ पकड़वा तूर दिया बैंक वाले भारत बैंक वाले जबरदस्ती निकलवाइन ही हमसे लोन मांग मांग जाँच के खियावत रहे लेकिन अकबर जफर आलम मिलकर हमारे मर्दे जबरई निकलवाइन ही हमारे पढ़े लिखे नहीं रहे कुछ नहीं जान पाए दारू पिया पिया निकलवाए नहीं उसने हमारे गए गाड़ी दिहीन बैंक वाले गाड़ी दिहीन जफर आलम की रोज गाड़ी दिहीन कहा था कि मार के हाथ पकड़ो तूर दिया भाई जहाँ भेटाई गए कहे घर छोड़ के गए नहीं भर पाए रहे किस्त दिया भैया ये प्राइवेट वाला आज क्या हुआ आज कुछ नहीं हुआ आज वो थाना गए रहे फोटो वोटो लेकर दरखास्त वरखास्त लिखाया हम हाँ पलटा चिलिया थाना गए रहे तो ये स्टेशन पे क्या करने के लिए गए थे स्टेशन पे हम ना जान के भैया जनवा का ना क्या हुआ क्या हुआ वही बताने बात करती भैया वह लोन वाला पैसा हुआ क्या अब कहूँ ना ही मिला था क्या करी क्या जानकारी मिली क्या जानकारी मिली जानकारी ना ही मिला भैया हियर धारण पुल जगह ना ही मिली यहाँ क्यों आई है यहाँ अभी यहाँ एक जने कान के एक्सीडेंट से मारा हाँ ट्रेन से कट गए तो कहीं थानों का हाथ बलाइन तो कहीं कि चलो दिया खियाओ जानकारी है कौन मरा जानकारी क्या नाम है पति का सुखचैन उमर 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 ना जान पाए थे भैया उमर ना ही रो क्यों रही हैं क्या मामला है अब उन्हें सब कहते रहे कि मार के हथवा गुड़ा तोड़ दे हम ना ही मिला था चार पाँच दिन से हेर के हम परेशान हो गए तो मिला उनका लाश हाँ भैया मिला कहाँ मिला यह घर महा पहचान हो गई हाँ पहचान भैया कैसे हुआ तरन तरह कचर के मारा हम नहीं सब जानवर कटकर हैं हाँ पहचान चाहती क्या चाहते हैं हम यह चाहते भैया कि जैसे हमारा मर्द हमारे मर्द की जान के अटक कर मारी नहीं तैसे हम उन्हें दोनों जने का मारो या तो हमारे पूरे लड़कन के जिंदगी भर का साथी जिम्मेदारी उठावा पूरे परिवार का क्या है उनका भूमिका क्या किए हैं वो लोग जबरदस्ती हम ही से लोनवा निकलवाए रहे हाँ हम कही भैया हम नहीं भर पाए लेकर जबरदस्ती हमें ले गए पैसा कौन लिया पैसा उन्हीं सब लिया हाँ कितना हुआ ही 1.5-2 लाख आपको कुछ मिला हमें थोड़ा बहुत दिए रहे कितना हुआ ही 1 लाख तक रुपया हमें दिए रहे लोने कितने का हो लोने कितने का हो कौनों में 10,000-20,000 कौन 15,000 कौन 30,000 कौन 35,000 ऐसे लिया हम लिया जबरी हाँ जबरी निकलवाए नहीं हमारा क्यों निकलवाए क्या कह रहे थे यह बेटी शादी करे रहा तो हम दू जगह खाली निकलवाए रहे और बाकी कुल जगह के जबरी नहीं सब निकलवाए हैं तो हम पूरा कह दी हम पूरा लोने कितने का है पूरा पैसा कितना निकाली 1 लाख है 1 लाख हुआ ही भरे कहाँ कर रहा है भरेगा तब उन पे गरी आवत रहे ये किस्त रुका रहा खाली भरे कहाँ कर रहा तुम्हारे पापा के मौत का जिम्मेदार कौन है अकबर जी फरे आलम क्यों उन्हीं सब धमकी आए रहे मारे कति धमकी पैसा ना देबो कहत रहे कहूं अकेले पाए तो मार डाल अब कहां पैसा ना देबो तो घर में ताला लगवा दे हम जा झगड़ा करे समान पूरा उठवा ले जाबे झगड़ा करे छु सिद्धार्थ नगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।